सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुंबई के नायर अस्पताल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के 32 साल के राजेश मारू की इस कदर एमआरआई मशीन में जाते दर्दनाक मौत हुई कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुंबई के नायर अस्पताल में एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। 32 साल से राजेश मारू को एमआरआई मशीन ने इस कदर अपनी तरफ खींच लिया कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर खुल गया और गैस पूरी पेट में चली गई। बताते हैं कि गैस पेट में जाते ही वो गुब्बारे की तरह फूलने लगा, आंखें बाहर आ गई और उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। राजेश मारू के जीजा हरीश सोलंकी ने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मां का एमआरआई करवाने के लिए कहा, साथ में राजेश भी था। वार्ड बॉय ने राजेश के एमआरआई रूम में जाने से पहले उसके घर और सोने उतरवा दिए, लेकिन मरीज को दिया गया ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने को कहा गया। रिश के मुताबिक उन्होंने विरोध किया, लेकिन साथ में आई वार्ड बॉय ने बताया कि अभी मशीन बंद है। उसके बाद जैसे ही राजेश कमरे में अंदर गया, मशीन ने सिलेंडर को अपनी तरफ खींच लिया। डेली न्यूज 10 की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को और देखिए न्यूज कभी भी और कहीं पे भी।